हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये हमारे पास हीरो स्प्लेंडर VS3 मॉडल की बाइक आई हुई है, सर्विसिंग होनी है। और इसके बारे में, इंजन ऑयल गर्मियों के सीज़न में कम क्यों निकल रहा है और क्या कमियां आती हैं गर्मियों में, उसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। तो पहली बात तो ये जार ये कंपलसरी हर मैकेनिक के पास होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? जैसे बाइक का इंजन बनाया और जब दोबारा सर्विस होने को आई तो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि इंजन ऑयल कितना निकल रहा है। तो इस बाइक की हमने सर्विस की तो इस बाइक में देखें कि कितना ऑयल निकला है। इसके पहले सर्विस कहीं और हुई थी, दोबारा हमारे पास सर्विस होने को आई हुई है। तो इसका जो कम से कम 2000 किलोमीटर बाइक को चलना चाहिए, 2000 से ऊपर नहीं चलना चाहिए, चाहे VS6 बाइक हो चाहे VS4 बाइक हो। तो ये तो कंपलसरी हर मैकेनिक के पास होना ज़रूरी होता है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो सर्विस होती है जब दोबारा सर्विस करेंगे तो इससे हमारा जानकारी बनी रहती है कि ऑयल कितना निकल रहा है, ठीक है। और ये हीरो स्प्लेंडर बाइक है तो इसमें हम हीरो की बाइक में हीरो का ही इंजन ऑयल परचेस करते हैं। और परचेस करने के बाद तो हम ये दिखाएंगे आपको, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो पहली बात तो ये होता है कि जो हीरो की बाइक है तो हीरो की बाइक चाहे VS6 हो चाहे VS4 हो, तो इसमें 10W30 इंजन ऑयल पड़ना चाहिए। ये लिखा है 10W30 SL, मतलब SL मतलब ग्रेट, ये ग्रेट लिखी होती है, 10W30 SL ग्रेट है, ठीक है। ज़्यादा महंगा नहीं होता है, कॉस्टली, ठीक है। MRP देख लीजिए, ₹350 है। और अगर शोरूम से लेने जाएंगे तो आपको ₹350 का ही मिलेगा, और दुकानों पे अगर आप ख़रीदेंगे तो ₹300 का मिल जाएगा। कहीं भी आप परचेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बारे में और हम जानकारी देंगे कि ये जो हमारा इंजन ट्रीटमेंट ऑयल, ठीक है, एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट है। अभी तक सर्दियां पड़ती रहीं तो इसकी वजह से ऑयल ट्रीटमेंट हमने इस्तेमाल नहीं किया बाइकों में, तो अब गर्मी आ चुकी है धीरे धीरे, तो गर्मी में हम ऑयल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं ऑयल के साथ, ठीक है। ऑयल के साथ ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? गर्मियों में हमारी बाइक ज़्यादा चल जाती है, हीट करती है, तो ये हीट की प्रॉब्लम को कम करता है, ठीक है। और हर पार्ट्स में अपना एक लेयर अपनी अलग से बना लेता है, तो इंजन को चिकनाहट रखता है। तो इसके बारे में आप जान गए होंगे, ठीक है। हम दिखाएंगे कैसा निकलता है इसमें और कितना निकलता है। और एक बाइक में 100 CC बाइक हो या 150 CC बाइक हो तो कितना इंजन ऑयल या ट्रीटमेंट ऑयल पड़ना चाहिए। तो ये इंजन ऑयल ट्रीटमेंट नेट WT 50 ml इंजन ऑयल में पड़ना चाहिए। तो इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं, ये इंजन ऑयल ट्रीटमेंट है। और इसको आप मिक्स करने के लिए तरीका एक ये है कि आपको डब्बे की पैकिंग को खोल लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आसानी से खुल जाता है, लेकिन इसका जो ये है, ये वाला, ये नहीं निकल पाया तो हमने इसको पेचकस की मदद से अलग कर दिया है, ठीक है। अब ऑयल की कंडीशन देख लें, ऑयल की कंडीशन ये होती है, इतना पतला होता है। और ऑयल ट्रीटमेंट का तो देख लिया आपने, तो इसको मिक्स करेंगे। सौ सीसी की बाइक हो या 150 CC की बाइक हो तो उसमें इसको आसानी से मिक्स कर सकते हैं। और
इंजन ऑयल डाल सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा, और इसको मिक्स करने का तरीका है, इसकी कैप टूट चुकी है तो इसको इसी कंडीशन के हिसाब से मिला सकते हैं। अब हम दिखाएंगे आपको क्या कंडीशन बनती है, देख लीजिए पहले कितना पतला था, अब कितना चिकनाहट हो गई इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्विसिंग के लिए बाइक आई हुई थी, तो उसका चैन एन क्लीन क्लीन करके फर्स्ट क्लास कर दिया, फिल्टर भी, एयर फिल्टर भी क्लीन कर दिया है, और आगे का व्हील भी, पीछे का व्हील भी क्लीन कर दिया है, और क्लच ब्रेक केबल वगैरह सब क्लीन करेंगे। तो ये वीडियो का बनाने का जो हमारा विकल्प था, तो विकल्प यही था कि इंजन ऑयल किस समय, किस सीज़न में कौन सा ऑयल पड़ना चाहिए, तो ये हमारा बताने का तरीका था। अब गर्मी सर्दी में बी एस सिक्स बाइक में 10W30 और 10W40 ऑयल को पड़ना चाहिए, और गर्मी में 20W40 पड़ना चाहिए। तो ये बाइक का जो इंजन है एकदम आवाज़ नहीं करेगा, साउंड नहीं करेगा, और एकदम स्मूथ मक्खन जैसी बाइक चलेगी। तो इंजन ऑयल ट्रीटमेंट का जो मैंने बताया वो यही तरीका होता है कि इंजन में जाता है और ये अपनी एक लेयर बना देता है। और ये कंडीशन देख लें आप, बाइक हमारी 51,214 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी इस बाइक में कोई समस्या अभी तक नहीं हुई है। तो वीडियो हमारा आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई अगर मिस्टेक है तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।